ये देखिए यहाँ पे हमने ले लिया है आधे चम्मच के करीब नमक, और नमक को इस पानी में घोल देना है। और इसका हमें क्या काम है ये आपको हम चिप्स छीलने के बाद बताते हैं। अब इनको हम छील लेते हैं अच्छी तरीके से। जैसे बाजार में बच्चे 10 रुपए का चिप्स लेके जो आते हैं उसमें बहुत ही थोड़ा सा निकलता है, और फिर बच्चे फिर दोबारा बार बार लेके आते हैं। इससे ये कहें कि हम 10 रुपए का ये आलू खरीद के और बच्चों को ये घर में बना करके चिप्स क्रिस्पी करारे जो बना के देते हैं, और उनको बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं बना करके। इस तरीके से हम ये चारों आलू छील लेंगे। मैं पोंछ के इसमें रख रही हूँ। ये देखिए मैंने आलूओं को पोंछ करके अच्छे से रख लिया है। एक एक आलू देखिए कितना सूखा सूखा दिख रहा है, और बिल्कुल भी ये पानी इसलिए हम पोंछ लेना है इसको कि ये जो है लाल नहीं पड़ते हैं। तो खूब अच्छा ये इसको पोंछ करके रख लिया है। अभी एक आलू हम लेते हैं इसको, और इसको ले करके इसमें ये जो इसका जो आगे का ये है ना, जैसे ये इसको हम हल्के से ऐसे काट लेंगे छोटा सा पीस, और फिर इसको हमें इस तरीके से ऐसे चिप्स निकालते रहना है। आजकल आप देखते हैं हर जगह लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, वहाँ छतें होती नहीं है, बालकनियों में कि धूप आती नहीं है, सुखाने का कहीं जगह होती नहीं है। तो इस तरीके से आप घर में ये चिप्स बना करके रख सकती हैं और स्टोर करके, और बच्चे जब चाहे जी चाहे बच्चों का बच्चे घर में ले करके आराम से खा सकते हैं। बच्चे भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और 10 रुपए के आलू से 15-20 दिन आप आराम से स्टोर करके बच्चों को खिला सकती हैं। जैसे तो कोई झंझट भी नहीं है, और बड़े आसानी से ये बन जाते हैं करारे क्रिस्पी चिप्स, और बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को खाने में, और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए एक एक स्लाइस कितनी पतली पतली है, ये देखिए कितनी बारीक बारीक। और इस तरीके से हम ऐसे चाकू से भी आपको करके दिखा सकते ऐसे, ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक आप निकाल लीजिए। ये देखिए चीज ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल बारीक बारीक ये देखिए आप चाकू से भी निकाल सकती हैं ऐसे करके आराम से, और इससे भी आप ऐसे करके देखिए। अब इस ये ऐसे हमने ये इसमें बटर पेपर लगा दिया है कागज़, और इन चिप्स को ये देखिए सुखाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो साफ़ कपड़ा लेकर के भी उसमें ऐसे करके चिप्स रख सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो और जो पानी है वो भी पूरा सूख जाए, जज्ब हो जाए, ताकि ये फ्राई करने में काफ़ी क्रिस्पी और करारे बनते हैं। देखिए इस तरीके से आप इन सबको ऐसे रखती जाएंगी। ये देखिए कितनी ही बारीक और पतले पतले स्लाइस के बने हुए हैं चिप्स। अब इन सारे चिप्सों को इसमें रख लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो पूरा सूख जाए। अब देखिए सारे चिप्स का पानी कितना सूख गया है, ज़रा सा भी पानी आपको कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अब इन सब चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। देखिए यही प्रोसेसर हम फिर से करेंगे रिपीट, इसी तरीके से हमें फिर से सारे चिप्स ऐसे रख लेने हैं, और फिर से इनको अच्छे से ऐसे इसमें सुखा लेना है। चाहे तो आप इसमें इसको कपड़े भी सुखा लें, मैं इस पे सुखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से रख के इसमें सारा, और ये जो सफ़ेद ये जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है, आप चाहे तो इसको बहुत अच्छा सुखाने के लिए इसको ऐसे प्रेस कर करके भी सारा पानी जज्ब कर सकती हैं। ये देखिए इसमें कितना मिनट लगा, ये ऐसे सूख गया बिल्कुल से, ड्राई हो गए। देखिए अब ये चिप्स को मैंने सारा जो है इसमें सुखा लिया है ऐसे,
अभी देखिए कितने बारीक पतले पतले चिप्स हैं, और चिप्स जितने ही पतले रहेंगे उतने ही देखिए कुरकुरे क्रिस्पी बनेंगे। और अगर ये इसके जो किनारे हैं जो मोटे मोटे अगर रहेंगे जैसे देखिए, तो फिर फ्राई करने में ये लाल लाल पड़ जाएंगे और ये अच्छे नहीं बनेंगे, कच्चे कच्चे से रहेंगे। कुरकुरे और करारे चिप्स बनाने के लिए हमें तेल को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना है। तेल को हम मीडियम फ्लेम में नहीं गर्म करेंगे, ना ही हाई फ्लेम पर रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हीट निकलता हुआ हमें गर्म तेल चाहिए, जिसमें कि आप तेल में चिप्स को जब डालें तो चिप्स कुरकुरे और करारे होना चाहिए। ये देखिए एक एक चिप्स डाल करके देखिए, इसमें ये देखिए कैसे इसमें बबल्स निकल रहे हैं। आप देखिए, आप समझ जाइए कि तेल बहुत ही अच्छा हुआ है। और ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे करके हमें एक एक चिप्स इसमें डालते रहना है, और ज़्यादा चिप्स नहीं डालना है इकट्ठे। ये देखिए कितना अच्छा बबल्स उठ रहा है, इसका मतलब है कि तेल बहुत अच्छा हुआ है। और इस तरीके से हमें ये चिप्स डालते रहना है बस, और इसको फ्राई करते रहना है। देखिए इसी तरीके से हम दोबारा तल लेते हैं। ये देखिए ये चिप्स बनाने में बहुत जल्दी चिप्स बन जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और चिप्स बनाने में कोई झंझट भी नहीं होती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स बन करके निकलते हैं। और आप इन चिप्स को कैसे से स्टोर करके भी रख सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया। अब ये देखिए कितना अच्छा बबल्स उठ रहे हैं, कितना अच्छा तेल है। और ये देखिए आप बस हल्का हल्का इसको ऐसे एक दो बार चला देंगे और चिप्स देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब देखिए चिप्स का काफी अच्छा कलर आ गया, इसको निकाल लेते हैं। देखिए चिप्स बनके अब तैयार हैं होली के। ये देखिए इतना कितने, ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, कुरकुरे हैं, करारे हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब आप भी अपने घर में बनाइए, मेहमानों को होली पे खिलाइए, और बच्चे भी खुश, आप भी खुश। और ये 10 रुपये के आलू में ही इतना सारा ये बन गया चिप्स। तो चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अल्लाह हाफिज़। फिर से दूसरी डिश लेके आती हूँ मैं।